हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रश्मि देसाई और उमर रियाज के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। बिग बॉस 15 घर में टीवी की नागिन रश्मि देसाई उमर रियाज की बढ़ती नजदीकियां फैंस को निगाहों में आ चुकी है। फैंस लगातार दावा कर रहे हैं कि रश्मि देसाई और उमर रियाज के बीच कुछ चल रहा है। अब तो घर के लोगों ने भी इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में बात करनी शुरू कर दी है। नेशनल टीवी पर उमर रियाज और रश्मि देसाई के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। इसी बीच रश्मि देसाई ने अपनी इस नई लव स्टोरी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। रश्मि देसाई ने नेशनल टीवी पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि उमर रियाज को पसंद करने लगी है। बिग बॉस 15 के बीते एपिसोड में रश्मि देसाई और तेजस्वी प्रकाश गार्डन एरिया में बात करती नजर आ रही थी कि इस दौरान तेजस्वी प्रकाश ने रश्मि देसाई से दिल की बात जानने की कोशिश की। तेजस्वी प्रकाश ने सवाल का जवाब देते हुए रश्मि देसाई ने कहा कि मैं उमर रियाज को पसंद करती हूं, लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे नहीं पता कि उमर रियाज मेरे बारे में क्या सोचता है। आगे तेजस्वी प्रकाश कहती है कि उमर रियाज एक अच्छा लड़का है। करण कुंद्रा, तुम और मैं, हम तीनों एक ही नाव में सवार हैं। घर के सदस्य रश्मि देसाई को उमर रियाज की वजह से टारगेट करने लगे हैं। हाल ही में देवी ने भ्रष्टाचार ने रश्मि देसाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के पीछे पड़ी थी, अब इसका टारगेट उमर रियाज है। देवलीना भ्रष्टाचार के इस बयान से रश्मि देसाई का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और रश्मि देसाई ने सबसे सामने देवलीना पर चुप रहने की सलाह दी। अच्छा दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।